फ्रेंड्स, दिस इज मोहम्मद हारून वंस अगेन। आज बात करते हैं एक नया नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन नहीं, एक्चुअली एक नई न्यूज आई है, 2 रोज पुरानी है। वर्तमान में खबर छपी थी कि मिनिस्ट्री लेवल पे ये डिस्कशन चल रही है इस बात की कि वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन WBCS के सिलेबस में कुछ चेंजेस लाएगी और उसको UPSC के समान करने की कोशिश कर रही है। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि अचानक से एक केओस तैयार हो गया है, धर्म भरम का माहौल तैयार हो गया है। स्टूडेंट्स, एस्पायरेंट्स सभी इसमें पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए हैं कि भाई होने वाला क्या है। जो नए हैं उनके लिए शायद कोई बड़ी फिक्र की बात ना हो, जो पुराने हैं उनके लिए एक बड़ा मसला होने वाला है, क्योंकि वो अब तक जिस तरीके से पढ़ते थे उनकी पढ़ाई का वो तरीका में क्या चेंजेस आने वाला है, शायद ड्रास्टिक चेंजेस आने वाला है, सारा कुछ स्पेकुलेशन है। तो अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है, जैसा कि आप लोगों में से कमेंट में पूछा था कि मेरी राय क्या है, तो मैं उसी पे अपनी बात करने के लिए आया हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि किसी चीज का ऑफिशियली डिक्लेरेशन जब तक ना किया जाए तब तक उस चीज पे यकीन करना थोड़ी बेवकूफी है, नंबर 1। नंबर 2, ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफिशियल सोर्स से ही मिलता है और वो आपको PSC के वेबसाइट से मिलेगा, और PSC के वेबसाइट पे अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं आया है। न्यूज की बात करें तो ये कहना कि हमारी कंट्री में आज की डेट में न्यूज 100% करेक्ट है, ये मतलब एक भ्रम है। तो न्यूज कुछ भी लिख दे रहा है, जब तक वो कंफर्म ऑफिशियली ना हो जाए तब तक उस पर यकीन करके कोई फायदा नहीं। हाँ, एक बात ये कही जा सकती है कि अगर धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं आग लगी होगी, तो देखते हैं कि उस आग से कैसे निपटा जाए। तो हमारे आज के डिस्कशन का 2 ही मुद्दा है, नंबर 1, 2 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि क्या ये बात सही है और किस हद तक फिजिबल है, और सही है तो क्या चेंजेस हो सकते हैं, और अगर सही नहीं है तो हम क्या करें, और सही है तो भी क्या करें। इन 2 पहलुओं पे बहुत छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन होने वाला है, एक्चुअली मोनोलॉग है, डिस्कशन बोलना सही नहीं है, तो बस यही है कि छोटा ही होगा। अब देखिए, सबसे पहले इसको समझिए कि WBCS का जो पैटर्न है और जो बात वो अखबार में कही गई है कि UPSC के एड पर किया जाएगा, दोनों के पैटर्न में फर्क है। इस पैटर्न को हो सकता है शायद बराबर किया जाए, ना भी किया जाए। मेरी राय ऐसी है कि शायद पैटर्न बराबर नहीं हो, उसके लिए मेरे पास कुछ अपने कुछ ऑब्जर्वेशन है, कुछ अपने ग्राउंड्स है, वो मैं शेयर कर लूंगा थोड़ी देर। हाँ, बात ये कही गई कि सिलेबस बराबर करने की, एक्चुअली मैंने उस न्यूज को पढ़ा, जहाँ तक मैंने समझा है उसमें पैटर्न को समान करने की बात नहीं की गई है, सिलेबस एक जैसा करने की बात की गई। तो अगर हम इस चीज को समझे कि क्या WBPSC का जो लेवल है WBCS का, वो IAS एग्जामिनेशन या UPSC के एग्जामिनेशन के बराबर होंगे या नहीं होंगे, मेरे हिसाब से बराबर होने के चांसेस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उसका कारण ये है कि उनके सिलेबस का जो बेस है, बुनियाद है, वो है NCERT। इवन आपने YouTube पे बहुत सारे चैनल को देखा होगा, अगर चैनल ना भी देखे तो UPSC के अपने नोटिफिकेशन में बुक लिस्ट जब मेंशन किया जाते हैं उसमें NCERT का मेंशन, NCERT के बुक्स का मेंशन किया जाता है। तो आप समझिए कि क्या हमारे यहाँ पर NCERT के सिलेबस अवेलेबल हैं, क्या हम अपने सिलेबस में NCERT के एट पार हैं या नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ का जो सिलेबस है वो WBPSC को ही डील करने के लिए काफी नहीं है, हमको फिर से शुरू से पढ़ना पड़ता है। जो पढ़ते हैं स्कूल में वो हमारे एग्जाम्स में आते नहीं है, PSC छोड़िए, स्टेट लेवल के अदर एग्जाम्स में नहीं आते हैं। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब यहाँ के स्कूलिंग के सिलेबस को एड पर नहीं किया गया NCERT के, तो आप UPSC के बराबर करें, तो मेरे हिसाब से तो ये होने वाला नहीं है। हाँ, कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, जैसा कि अदर स्टेट्स ने चेंज किया। अब अदर स्टेट्स ने चेंज कैसे किया, देखिए हम अगर 2 स्टेट को बहुत ज्यादा ध्यान में रखें, एक है यूपी और एक है बिहार, IAS मैक्सिमम यहीं से बन पाते हैं। खासकर यूपी में एक बड़ा चेंजेस लाया गया है,
मैं आपको सिलेबस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है या यूपीपीएससी का सिलेबस क्या है, बट थोड़ा चेंजेस है, इसलिए मैं यूपीपीएससी के सिलेबस को आपके सामने हल्का सा एक ब्रीफ रख रहा हूँ। ठीक है, प्रीलिम्स तो एमसीक्यू होता है, उसमें कोई मसला नहीं है। मेंस की बात करते हैं, मेंस में आपका एक पेपर होता है हिंदी, 150 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होगा। उसके बाद चार पेपर होंगे GS1, GS2, GS3, GS4, जो नॉर्मल होता है वैसे ही होगा। GS5, सॉरी मैं पांच पेपर फोर होता है ना, GS1, 2, 3 एंड 4। पहला तीन पेपर तो नॉर्मल यूपीएससी के स्टैंडर्ड का ही होगा। GS4 जो है वो एथिक्स एक सब्जेक्ट आता है, एक एग्जाम का एक पेपर आता है एथिक्स यूपीएससी में। यूपीपीएससी ने उसी पेपर को उठाकर यहाँ पे डाल दिया, तो चार पेपर तो यूपीएससी के तरह वो कर लिया। लेकिन पांचवा जो पेपर है, जिसको ऑप्शनल बोलते हैं, जो दो पेपर होंगे, इसमें यूपीपीएससी ने एक बड़ा चेंज किया है, इसमें ऑप्शनल का पेपर हटा दिया। उसका कारण यह था कि स्टेट के जो अपने कैंडिडेट्स थे वो यूपीपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सिलेबस वेरी सिमिलर टू यूपीएससी था, इसलिए अक्सर कैंडिडेट्स जो यूपीएससी में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं वो स्टेट पीएससी में आकर एग्जाम देकर क्वालिफाई कर ले रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि जो स्टेट्स के कैंडिडेट्स थे उनको चांसेस थोड़ा सा कम हो गया। अब यहाँ पर यूपीपीएससी ने क्या किया है, दो ऑप्शनल पेपर रखा है, और ऑप्शनल पेपर में कोई सब्जेक्ट नहीं रख के स्पेशल पेपर के नाम से यूपी स्पेशल, पूरा 200 पेपर यूपी के ऊपर ही, यूपी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा चलेगा। अब इससे क्या होगा कि यूपी के कैंडिडेट्स को थोड़ा चांसेस मिलने के, ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और अगर कोई यूपीएससी पढ़ रहा है तो सर्टेन लेवल तक उसको फायदा हो रहा है, लेकिन ये जो आखिरी ऑप्शनल पेपर है उसमें उसको फिर से अलग से टॉपिक पढ़ना पड़ रहा है, जिस वजह से फायदा ये हो रहा है कि स्टेट के कैंडिडेट्स के चांसेस कंपेरेटिवली बढ़ जा रहे हैं। कितने बढ़ रहे हैं ये तो बोलना मुश्किल है, और ये बेवकूफों का शेवा है कि वो स्टेट के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से खुद को डिवाइड करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे मैंने कई यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू दिया, तो उसके कमेंट्स में मैंने पढ़ा कि जो उर्दू बोलने वाले हिंदी बोलने वाले ले जा रहे हैं, बंगाली वाले को नुकसान हो रहा है। देखिए कॉम्पिटिशन में सबको एक जैसा देखना पड़ता है, जो हिंदी वाले हैं, जो उर्दू वाले हैं, जो अदर देन बंगाली है उनको बंगाली टेस्ट देना पड़ता है, बंगाली के लिए आंसर लिखना, आपको एक डिक्टेशन लिखना पड़ता है। कभी मौका मिला तो मैं अपना इंटरव्यू का पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, बट करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि करना नहीं पड़ रहा है। अगर उस सेक्शन को हटा दे तो उसके पहले का जो स्टेज है वो बंगाली के लिए भी सेम है और नॉन बंगाली के लिए भी सेम है, तो उस स्टेज तक तो आपको फाइट करना पड़ेगा ना। अगर आप ये बोले कि मैं बंगाली हूँ या मैं बंगाली नहीं हूँ, या बंगाली स्पीकिंग हूँ बंगाली स्पीकिंग नहीं हूँ, ये सब उनका आ, आ, ये सब स्टेटमेंट है जो खुद कुछ नहीं कर सकते, जिनको बस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से कुछ मिल जाना है। तो अगर आप एस्पायरेंट है, आप लड़ रहे हैं, ये सब चीजों से बाहर उठिए, आपको लड़ाई करनी पड़ेगी, बस सिंपल समझिए। तो यूपीपीएससी में भी जो हो रहा है वो इसी तरह किया गया कि एग्जाम तो देना ही पड़ रहा, कुछ चीजें चेंजेस की गई हैं इसी तरह। और एक हमारा एक स्टेट है बिहार, ना बिहार में अभी क्या किया, बिहार में एक चेंजेस लाया गया है कि प्रीलिम्स 150 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा उसमें भी, मेंस में हिंदी GS1 GS2 300 करके 300 मार्क्स का हर एक पेपर होगा, और ये सारा डिस्क्रिप्टिव होगा हिंदी दोनों स्टेट्स में कंपलसरी करके। अब क्या हुआ है कि जो ऑप्शनल पेपर था उसको हटाकर यहाँ पर एक निबंध का पेपर लाया गया है। निबंध क्या होता है, ऐसे राइटिंग, मजमून लिखना। अब ये निबंध के पेपर में आपको निबंध लिखना है, कोई पेपर वाइज आपको कोई एडवांटेज नहीं है, और ये निबंध आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इसमें कोई लैंग्वेज का बार नहीं है। आप उर्दू लिख सकते हैं, इंग्लिश लिख सकते हैं, उड़िया, मराठी, जो लैंग्वेज आपको चाहे लिख सकते हैं, हिंदी ऑलरेडी उन्होंने ले लिया है। तो इस तरह से कुछ चेंजेस किया गया जिसमें स्टेट के कैंडिडेट्स को कंपैरेटिवली थोड़ा प्रिविलेज मिलेगा। लैंग्वेज के बेसिस पे कुछ डिसएडवांटेज हो सकते हैं, ये पार्ट ऑफ स्ट्रगल है, इसमें मैंने पहले भी बोला कि इसके लिए बहस करके फायदा नहीं है। समझिए जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको एक ग्रेजुएट होना है, वैसा ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा कि आपको एक लैंग्वेज जानना होगा, आपको जानना पड़ेगा। अब इन पहलुओं पर नजर रख के अगर सोचे तो बंगाल में क्या हो सकता है, बंगाल में सिलेबस कोई चेंजेस होने वाला है नहीं, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट 100% एनसीईआरटी को फॉलो नहीं करेगा, उनके अपने अपने पॉलिटिकल कारण है। अनफॉर्चुनेटली सफर करते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो ना वो कॉम्पिटिशन के लायक होते हैं, और जब वो कॉम्पिटिशन में उतरते हैं तो उनके साथ दिक्कतें बहुत ज्यादा पड़ जाती हैं, तो ये एक चैलेंज रहता है। जब तक ये सिलेबस रूट लेवल पर ठीक नहीं होगा तब तक ये चीजें चेंज नहीं होने वाली। जैसे आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, एसएससी में सीईटी के बारे में एक प्रोविजन लाया गया,
एक कमिटी थी, कस्तूरी रंजन कमिटी, जिसने ये रिकमेंड किया था कि एग्जाम्स में उस तरह के क्वेश्चन लाया जाए जिस तरह के आप स्कूलों में पढ़वाते हैं। दैट इज एनसीईआरटी को अगर आप पढ़वा रहे हैं, सेंट्रल लेवल की स्कूल्स की बात की गई थी, तो आप क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी के जरिए ही उसी को मद्देनजर रखते हुए बनाएं ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्वालिफाई कर सकें। और इसीलिए सीईटी का इंतजाम किया गया। अभी 100% एप्लीकेबल नहीं हो पाया है अभी, लेकिन वो हो जाएगा, उसके होने के कारण है। तो पहले प्लेटफॉर्म रेडी करना पड़ेगा। अगर हम सिलेबस को चेंज कर रहे हैं तो सबसे पहले रूट लेवल में उस सिलेबस को चेंज करना पड़ेगा, और वो अभी तो नहीं होने वाला है, एकदम से एट पार नहीं होगा। तो यूपीएससी के एट पार तो नहीं हो रहा है, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। हाँ, चेंजेस हो सकते हैं। 2013 में कुछ चेंजेस लाया गया था, तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है कि चेंजेस लाया जाए, चेंज लाया जा सकता है। ये हो सकता है कि यहाँ पे बंगाली को कंपलसरी कर दिया जाए, ये हो सकता है कि बंगाली का जो पेपर है वो क्वालिफाइंग इन नेचर रखा जाए, या उसके भी कुछ मार्क्स स्कोर करने के लिए रख दिया जाए कि नहीं आपको इसमें सर्टेन मार्क्स लाने पड़ेंगे, उसके मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होंगे। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे हिसाब से वो ये है कि जो नॉन बंगाली स्पीकिंग एस्पायरेंट्स हैं उनको अभी बंगाली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और ईमानदारी से पढ़िए, देखिए लैंग्वेज ये गवर्नमेंट नहीं समझती है, चाहे वो किसी भी स्टेट की हो, कि लैंग्वेज एक रिक्वायरमेंट है और ये माहौल के साथ सीखा जाता है। जैसे मुझे बंगाली बोलना नहीं आता था, मुझे माहौल मिला, आज मैं मोर और लेस जैसा भी हो बंगाली बोल लेता हूँ। मेरे कुछ साथी है जो बंगाली है मेरे साथ रहे, वो अभी आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहे हैं कि वो उर्दू सीखे, कुछ हिंदी बोलते हैं। तो माहौल है, किसी लैंग्वेज के नहीं जानना कोई पोलियो की जैसे बीमारी नहीं है कि एक बार हो गया तो इसको रेमेडाई नहीं किया। तो गवर्नमेंट उनके अपने कुछ पॉलिटिकल कारण है जिसकी वजह से इस तरह के कुछ कंडीशंस रखते हैं, सबको वोट बैंक चाहिए होता है। एस्पायरेंट से मैं यही कहूंगा कि भाई आप इनमें मत पड़िए, आप अपना काम कीजिए, समझिए कि क्राइटेरिया है। जिनका बंगाली लैंग्वेज है उनके लिए भी चैलेंज है, जिनका बंगाली लैंग्वेज नहीं है उनके लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा चैलेंज, चैलेंज दोनों के लिए। तो अगर आप बंगाली हैं तो आपके लिए कोई बहुत ज्यादा माइलेज है बंगाली होना, ये सब गलत फहमी है। देखिए आप रिजल्ट उठा के देखें, जो मेहनत करता है वही रिजल्ट लाता है। बंगाली यूपीएससी भी निकाल रहे हैं, बंगाली स्टेट लेवल भी निकाल रहे हैं, नॉन बंगाली यूपीएससी भी निकाल रहे हैं, नॉन बंगाली स्टेट लेवल एग्जाम भी निकालते हैं। मेरी पहचान में एक साथी है, वो बिहार के एग्जाम निकाले, बंगाल में पढ़े हैं, बिहार के एग्जाम क्वालिफाई किए। और ऐसे बहुत सारे मेरी पहचान के लोग हैं जो अलग अलग स्टेट में आकर एग्जाम दे रहे हैं। दूसरे स्टेट के लोग यहाँ भी आते थे, मैंने अब तक दूसरे स्टेट के कैंडिडेट को यहाँ का एग्जाम देते हुए नहीं देखा है। फिर भी एक हो सकता है, मेरी पहचान बहुत कम है तो दे ही सकते हैं। इंडिया है, आर्टिकल 16 हमें रोक नहीं रहा है इसके लिए, तो अपॉर्चुनिटी सबों के लिए एक जैसी होनी चाहिए। उस चीज को अगर ध्यान में रखें तो आपके सामने चैलेंज ये नहीं कि कौन क्या कर रहा है, आपके सामने चैलेंज ये कि हम क्या कर रहे हैं। और उस बेसिस पे मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप जैसी पढ़ाई कर रहे हैं वो कीजिए, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि आप भटक कर सारी चीजें चेंज कर दें और नतीजा ये हुआ कि ना आप इधर के ही रहे और ना उधर ही कर रहे, ना सनमी मिला हमको ना हुआ वैशाले यार, तो ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो आप जैसे पढ़ाई कर रहे हैं वो कीजिए। हाँ, एक बैकअप के लिए मैं यही कहूंगा कि थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए। अनफॉर्चुनेटली मैंने अक्सर को देखा है कि वन लाइनर पढ़ के काम कर लेने का, वन लाइनर बहुत अच्छी चीज है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट पहले चाहिए। कॉन्सेप्ट रहेगा तो वन लाइनर पढ़ने में मजा आता है। इस सिलसिले में एक और वीडियो मैं बनाऊंगा कि हमारे रेस इंस्टीट्यूट ने कुछ नया डिसीजन लिया है, होपफुली आपको पसंद आएगा। तो सबसे बड़ा जरिया तो यही है कि आप कमेंट के जरिए हमसे कनेक्टेड रहें, जो भी आप रिक्वायरमेंट अपनी बोलेंगे कमेंट के जरिए, कोशिश करेंगे कि हम उसको जहाँ तक पॉसिबल हो उसको सप्लाई कर सकें। तो जैसा आपने कहा था उसी सिलसिले में अपनी राय यही है, इन ब्रीफ जिस्ट यही है कि नंबर 1 जैसा चल रहा है चलाइए, नंबर 2 थोड़ा सा राइटिंग स्किल बढ़ाइए, नंबर 3 कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर सडन चेंज हुआ तो कॉन्सेप्ट बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे, 100% डिस्क्रिप्टिव नहीं होने वाला है। आपको मैंने 2 ऐसे स्टेट्स का नाम बताया जहाँ से ज्यादा आईएएस ऑफिसर्स निकलते हैं, उन लोगों ने खुद को 100% डिस्क्रिप्टिव नहीं किया है। कुछ चीजें चेंज करी है जरूर है, हमारे यहाँ भी चेंजेस हो सकती हैं, लगता नहीं है मुझे कि इतना ड्रेस्टिक चेंज होगा, सर्टेन चेंजेस होगा। और चौथा, बंगाली जरूर पढ़िए, बंगाली के बगैर यहाँ पे अब कुछ नहीं होने वाला,
ये तो तय है। तो आज के लिए इतना ही, आपके जो भी अपने ओपिनियन है बिल्कुल बताइए, दूसरों तक पहुंचाइए, कमेंट कीजिए हमें, ताकि पता लगे कि हम किस स्टेज में खड़े हैं, और जो भी हमारे नेक्स्ट अप्रोच है वो हम अपने वीडियो के जरिए बताएंगे। हमारी हिम्मत अफजाई कीजिए। थैंक यू।